नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। 16 से 31 जुलाई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन। भागलपुर में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण का कहर। एक साथ मिले 61 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1200 के पार। अवैध शराब कारोबार की सूचना पर श्वान दस्ता के साथ इसाकचक पुलिस ने मारा छापा। देशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। निगम कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कार्यालय में पसरा सन्नाटा। नगर आयुक्त हुए होम क्वारंटीन। और इंटर एवं स्नातक में नामांकन के लिए छात्रों को करना होगा इंतजार। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजभवन ने लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है। अब तो दिन प्रतिदिन 1000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जिसके कारण राज्य सरकार ने बिहार में एक बार फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। राज्य को 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन किया जाएगा, जिसकी गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार 17 जुलाई से राज्य में पाबंदी लागू रहेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक में लॉकडाउन का निर्णय लिया है। राज्य के सभी सरकारी कार्यालय और उससे जुड़े संस्थानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पुलिस एवं जरूरी सेवाओं से जुड़े विभागों को अलग रखा गया है। वहीं परिवहन सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। लॉकडाउन के दौरान निर्माण से जुड़े सभी दुकानों और उत्पादन इकाइयों को खुला रखने का आदेश दिया गया है। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल एवं मनोरंजन के कार्यक्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। बता दें कि भागलपुर राजधानी पटना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों का शहर है। मंगलवार को ताजा अपडेट के अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पटना में पाए गए। पटना में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 162 है। वहीं भागलपुर की बात करें तो ताजा अपडेट के अनुसार भागलपुर में 61 नए संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पड़ोसी जिला बांका से 10 एवं कटिहार से 18 संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में लॉकडाउन के बावजूद तेजी से ऊपर चल रहा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ जिलेवासियों पर कहर बरपा रहा है। भागलपुर में कुल संक्रमितों की संख्या 1200 के करीब पहुंच चुकी है। साथ ही शहरी क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या 250 के करीब है। लगातार कोरोना संक्रमण का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जिलेवासियों को लॉकडाउन का पालन कर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। भागलपुर इसाकचक पासी टोला में अवैध देशी शराब बेचे जाने की सूचना पर मंगलवार को इसाकचक पुलिस ने श्वान दस्ता टीम के साथ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने योगेंद्र चौधरी के घर में छिपा कर रखे गए 11 लीटर देशी शराब को बरामद किया है। वहीं पुलिस ने मौके से शराब कारोबारी रोहित चौधरी को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष संजय कुमार सुधांशु ने बताया कि अवैध शराब बेचे जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद श्वान दस्ता की टीम के साथ छापेमारी की गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि शराब कारोबारी के खिलाफ तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व भी अवैध शराब के बड़े कारोबारी कारू चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। भागलपुर नगर निगम के एक कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद निगम कार्यालय में सन्नाटा पसर गया है। मंगलवार को निगम कार्यालय में कर्मियों की संख्या काफी कम दिखी। कार्यालय अधीक्षक मोहम्मद शब्बीर समेत कुछ शाखा के प्रभारी कार्यालय में नजर आए। वहीं कई विभागों में ताला लटका रहा। इधर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए क्षेत्र के सभी 51 वार्ड में होल्डिंग टैक्स वसूली का कार्य बंद कर दिया गया है। वहीं नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी एवं उप नगर आयुक्त सत्येंद्र प्रसाद वर्मा समेत कई अधिकारी और कर्मी होम क्वारंटीन हो गए हैं। दरअसल जिलाधिकारी प्रणब कुमार की बैठक में नगर आयुक्त और उप नगर आयुक्त हमेशा मौजूद रहते थे। एसपी वर्मा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से होम क्वारंटीन हुए हैं, लेकिन मोबाइल के जरिए शहर की सफाई व्यवस्था एवं हालात पर उनकी नजर है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन छात्रों को इंटर एवं स्नातक में नामांकन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गाइडलाइंस के बाद ही राज्य के सभी कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में स्नातक में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने में विलंब हो सकता है। विश्वविद्यालय के साइंस डीन प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर ने बताया कि राजभवन से निर्देश आने के बाद ही TMBU में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। डीन ने कहा कि राज्य सरकार ने 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जिस कारण विश्वविद्यालय प्रशासन बिना सरकार के निर्देश के कोई कार्य शुरू नहीं कर सकती है। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के कारण तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और इसकी सभी संबंधित इकाई फिलहाल 31 जुलाई तक बंद है। ऐसे में छात्रों को इंटर एवं स्नातक में एडमिशन लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर समाहरणालय परिसर में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने के कारण सरकारी कामकाज पर व्यापक असर पड़ा है। कोरोना के डर से कर्मी कार्यालय नहीं आ रहे हैं, जबकि 50% कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाया जा रहा है। अल्टरनेट डे ऑफिस नियम के तहत कार्यालय में कर्मी पहुंच रहे हैं और कार्य हो रहा है। साथ ही डीएम के निर्देश पर समाहरणालय परिसर में आम लोगों के प्रवेश पर पूर्व में ही रोक लगा दी गई है। डीएम प्रणब कुमार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एडीएम राजेश झा राजा को प्रभारी डीएम बनाया गया था, लेकिन एडीएम राजेश झा राजा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इधर डीडीसी सुनील कुमार भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एक साथ 3 अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के पॉजिटिव होने के बाद समाहरणालय परिसर में दहशत का माहौल है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताजी को अपने क्षेत्र में सड़क बनवाने की याद आने लगती है। मंगलवार को बेलहर विधायक रामदेव यादव ने बांका फुल्ली डुमर प्रखंड के राता पंचायत अंतर्गत बदलाचक गांव में सड़क का शिलान्यास किया। बता दें कि 1 करोड़ की लागत से 1 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जाएगा। शिलान्यास के दौरान विधायक रामदेव यादव ने कहा कि बदलाचक ही एक ऐसा गाँव है जहाँ ग्रामीण आजादी के बाद से पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं। विधायक ने कहा कि उनके पहले भी कई जनप्रतिनिधियों ने सड़क निर्माण कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन सभी ने जनता को ठगा। विधायक ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास उनकी प्राथमिकता है। गर्मी आते ही लोगों को पानी की समस्या सताने लगती है। जिले में कई ऐसे गांव हैं जहां के कुएं सूख जाते हैं। सरकारी चापानल खुद एक लोटा पानी की मोहताज हो जाती है। पानी की समस्या से जूझ रहे कहलगांव घोगा बाजार के लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। पन्नूचक वार्ड संख्या 3 में पानी की अभाव है। प्यास से परेशान यहां की जनता विकट परिस्थितियों से जूझ रही है। मंगलवार को पानी की समस्या से परेशान जनता ने वार्ड नंबर 3 के पार्षद गिरीश मंडल का घेराव कर लिया। इस दौरान वार्ड की जनता ने पार्षद को जल्द से जल्द शुद्ध पानी की व्यवस्था कराने की बात कही। आक्रोशित लोगों ने हंगामा करते हुए पार्षद पर मनमानी करने का आरोप लगाया। बता दें कि वार्ड संख्या 3 में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, पर ना तो यहां के जनप्रतिनिधि इस पर कोई ध्यान देते हैं और ना ही आला अधिकारी। CBSE 12वीं की रिजल्ट आ चुकी है। छात्रों द्वारा 2 साल से किए जा रहे मेहनत का परिणाम आ चुका है। शहर के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सत्यमवेव के छात्रों ने अपने लगन और मेहनत से संस्थान का नाम रोशन किया है। इंस्टीट्यूट के दीपांशु 96% अंक लाकर टॉपर रहे, जबकि 95% अंक के साथ सुमन कुमार द्वितीय स्थान पर रहे। संस्थान के निर्देशक राकेश कुमार ने बताया कि 2020 का परीक्षा परिणाम उत्साहवर्धक रहा। 12 बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक लाया और लगभग 30 बच्चे 80% से ऊपर रहे। खुशी के इस मौके पर संस्थान के निर्देशक राकेश कुमार ने छात्रों को मिठाई खिलाकर जीवन में कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे संस्थान में बच्चों का चौतरफा विकास किया जाता है।
इसके साथ ही प्रख्यात शिक्षकों से परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। वहीं उत्तीर्ण छात्रों ने सफलता का सारा श्रेय संस्थान एवं निर्देशक राकेश कुमार को दिया। सीबीएसई का रिजल्ट निकल गया और रिजल्ट निकलने के साथ ही सत्यम वेव ने खुशियों का लहर दौड़ा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि 12 बच्चों ने 90% से ऊपर मार्क्स पाया है, 12 बच्चों ने, और करीब 32 बच्चों ने 80% से ऊपर मार्क्स लाया है। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि जो टॉपर है उसको 96% मार्क्स है, 95% मार्क्स है, 94% मार्क्स है, बहुत अच्छे ढंग से मार्क्स लेके आए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या रही कि कॉमर्स विंग को फर्स्ट टाइम सत्यम वेव ने लॉन्च किया, ये पहला रिजल्ट था कॉमर्स का। और कॉमर्स में हमारे पास 18 बच्चे थे, उस 18 बच्चे में से एक बच्चे ने मोर देन 90% मार्क्स लाया और 6 बच्चे क्रॉस करके 80% मार्क्स को, मतलब लगभग हर एक बच्चे का परसेंटेज बहुत ही अच्छा रहा कॉमर्स के लिहाज से देखे तो। साइंस तो सब दिन बेस्ट था, साइंस तो सुपर रिजल्ट दे ही रहा था, और कॉमर्स का भी रिजल्ट अब ऐड होने से सत्यम वेव में 4 चांद लग गया। जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से जिलेवासी परेशान हैं। हालांकि संकट की इस घड़ी में कई समाजसेवी एवं सामाजिक संगठन आगे आकर समाज की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को जेबीजे संगठन के अध्यक्ष उपमहापौर राजेश वर्मा की ओर से दीपक शर्मा के नेतृत्व में वार्ड संख्या 42 में सैनिटाइजेशन कराया गया। इस दौरान समाजसेवी दीपक शर्मा द्वारा स्थानीय लोगों को जागरूक भी किया गया। उन्होंने सभी लोगों से मास्क लगाने एवं साफ सफाई का विशेष ख्याल रखने की अपील की। मौके पर राजकुमार यादव, अजय कुमार, सुभाष यादव सहित कई समाजसेवी मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। हर राजनीतिक पार्टी चुनावी मैदान में जीत हासिल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसी को लेकर पीरपैंती प्रखंड के सुंदरपुर स्थित गेस्ट हाउस में नए राजद कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन विधायक रामविलास पासवान एवं प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी लोगों से एकजुट होकर आगामी चुनाव के लिए कार्य करने की बात कही गई। साथ ही प्रखंड कमेटी एवं पंचायत अध्यक्षों को प्रमाण पत्र दिया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, रमेश रमन, गोपी चंद यादव, इंद्रदेव यादव सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड में प्रखंड कार्यालय खोलने का निर्देश दिए हुए हैं, इसलिए आज पीरपैंती भी प्रखंड में प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में और जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव के नेतृत्व में आज जो है पीरपैंती प्रखंड में प्रखंड कार्यालय जो है खोला गया। और जो भी आगे निर्देश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा और उसका एक ही मकसद है कि हम लोगों को पूरे बिहार में जो है तेजस्वी जी के नेतृत्व में तेजस्वी जी को जो है सरकार बनाने के लिए जो भी करना होगा राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार में करने के लिए तैयार है। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 16 से 31 जुलाई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन। भागलपुर में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण का कहर, एक साथ मिले 61 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 1200 के पार। अवैध शराब कारोबार की सूचना पर श्वान दस्ता के साथ इसाकचक पुलिस ने मारा छापा, देशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। निगम कार्यालय में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कार्यालय में पसरा सन्नाटा, नगर आयुक्त हुए होम क्वारंटीन। और इंटर एवं स्नातक में नामांकन के लिए छात्रों को करना होगा इंतजार, कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजभवन ने लगाई रोक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।